ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर अनुराग चौधरी और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसिंतवरा दिल्ली से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस के यात्रियों से मिलकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला अधिकारियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। वहीं जागरूकता के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि ग्वालियर में लोकसभा चुनाव के लिए 12 मई को मतदान होना है। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा रेलवे स्टेशन के चिल्ड्रन हेल्पलाइन का भी निरीक्षण किया गया। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। विरोधी है विभिन्न धामों में और यहाँ पे सभी वोटरों के साथ बात हुआ और एक ये ट्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है रेलवे स्टेशन भी जहाँ पे सभी लोगों का आना जाना रहता है, तो इसको इसमें मीडिया भी एक सहभागी था, जिला प्रशासनिक सहभागी था, रेलवे सहभागी था, तो ये इस प्रकार के जो इसमें पूरे थीम बेस्ड जो वीडियोज रहेंगे वो सोशल मीडिया पे और जो डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं और बाकी सिनेमा हॉल्स में चलेंगे, तो लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा कि जो हमारे लोकतंत्र का जो त्यौहार है जिसको हम लोग लोकसभा निर्वाचन के नाम से जानते हैं, उस दिन सब लोग वोट करेंगे। ग्वालियर में लोकसभा निर्वाचन 12 मई को निर्धारित हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी मतदाता हैं सभी लोग वोट डालेंगे।